Hey guys, subscribe the channel and press the bell icon to never miss update from Fly High Academy Bhopal. Hello friends, I am Pushpendra Dhakar. Welcome to Fly High Academy. इस वीडियो में आप सीखेंगे फोनेटिक्स. जी हाँ दोस्तों, फोनेटिक्स की नीड क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ. इंग्लिश में आप किसी भी स्पेलिंग को पढ़ के उसका प्रोनाउंसिएशन सही निकालें ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि स्पेलिंग पढ़ के आप किसी का प्रोनाउंसिएशन नहीं निकाल सकते हैं. अगर आपने उस वर्ड को नहीं सुना है तो आप जरूरी नहीं क्या उसका प्रोनाउंसिएशन सही कर सके, क्योंकि इसके लिए आपको फोनेटिक्स आना बहुत जरूरी है. अगर आपको फोनेटिक्स आते हैं तो आपके अंदर स्पेलिंग सेंस और साथ में इनका प्रोनाउंसिएशन सेंस भी आपको आ जाएगा. तो आज की वीडियो पढ़ते हैं फोनेटिक्स सेंस. तो देखते हैं फोनेटिक्स आपके जो होते हैं इंग्लिश में. आपको पता है इंग्लिश में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26, जिसमें से आपके साउंड होते हैं आपके 44 साउंड होते हैं. 26 लेटर्स के 44 साउंड्स होते हैं. इन साउंड्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पहली कैटेगरी होते हैं वोवेल साउंड्स, दूसरी कैटेगरी होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स. वोवेल साउंड्स आपके टोटल होते हैं 20 और आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं आपके 24. जी हाँ, वोवेल साउंड्स को भी टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पहला प्योर वोवेल्स या मोनोफोन्स. मोनोफोन्स ये आपके होते हैं टोटल 12 और आपके होते हैं डिप्थोंग्स होते हैं. डिप्थोंग्स का वोवेल ग्लाइड्स का ये डिप्थोंग्स जो आपके होते टोटल 8 होता है. इनका 8 जो होते हैं ये डिप्थोंग्स का मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है आपका जहां पे आपके दो साउंड, दो वोवेल साउंड एक साथ आए उसको डिप्थोंग्स कहा जाता है. और मोनोफोन्स में आपका होता है केवल एक ही साउंड आता है, इसलिए इनको प्योर वोवेल्स कहा जाता है. इसके साथ वोवेल साउंड्स को आपका फ्रैक्शन लेस साउंड्स कहा जाता है. फ्रैक्शन लेस साउंड और आपके जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं इनको फ्रैक्शन साउंड्स कहा जाता है. जी हाँ, तो आपको फोनेटिक्स में दो तरह के साउंड्स पढ़ने हैं, आपका वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड. वोवेल साउंड्स आपके 20 होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड आपके 24 होते हैं. ये आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम जो होते हैं उनमें भी आपको यही पूछा जाता है. सो गाइस आते हैं कॉन्सोनेंट साउंड पे. कॉन्सोनेंट साउंड आपके 24 होते हैं. इसमें इस साउंड इस सिंबल का मतलब होता है प साउंड. आपको पेन, बी ब साउंड, बैग, टी ये सिंबल्स के लिए टा साउंड टेन, इस सिंबल के लिए ड साउंड डॉग, इस सिंबल के लिए का साउंड कैट, इस सिंबल के लिए ग साउंड गो, इस सिंबल के लिए चा साउंड चिन, इस सिंबल के लिए जा साउंड जंप, इस सिंबल के लिए फा साउंड फैन, इस सिंबल के लिए वा साउंड वाइन, इस सिंबल के लिए था साउंड थिंग, इस सिंबल के लिए द साउंड दिस, इस सिंबल के लिए सा साउंड सिन, इस सिंबल के लिए जा साउंड जा जू, इस सिंबल के लिए शा साउंड शी. आप देखें ये दोनों सिंबल एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये छोटा सिंबल होता है और ये उससे बड़ा सिंबल होता है. ये सा साउंड होता है और ये शा साउंड होता है. ये जा साउंड स्वाज साउंड स्वाज इसमें, और ये स्मॉल वाला होता है एक आपका ये वाला, ये होता है जा साउंड के लिए. ये स्वाज साउंड जैसे प्लेजर प्लीजर, ये हा, ये हा साउंड के लिए हैच, ये ला लैग, ये मा मैन, ये ना साउंड नोज, ये अम होता है, ये वाला सिंबल अम के लिए होता है रिंग. यहाँ पे जो आई है ये रिंग रिंग इंग इंग, तो अम साउंड यहाँ पे आता है. रा रैच, ये या साउंड के लिए यस, ये वा वा साउंड वोट, ये वा और आपका ये वी साउंड दोनों वा एक ही साउंड होता है दोनों का, वुड या वाइन, वुड या वाइन. ठीक है, ये आपके हो गए कॉन्सोनेंट साउंड. टोटल आपके होते हैं 24. सो प्रैक्टिस देम, आप बिल्कुल आराम से इनको जो साउंड इनका होता है वो आप एक बार बार प्रैक्टिस करें तो आपको आसानी से आ जाएगा. कॉन्सोनेंट साउंड्स में आपके जो साउंड्स होते हैं जो 9 साउंड होते हैं आपके 22 लेस साउंड होते हैं, और 15 साउंड होते हैं आपके 22 डे साउंड होते हैं. 22 डे साउंड में जैसे ये आपका पा साउंड, ये टा फा था सा हा शा हा और चा साउंड, ये आपके 22 लेस साउंड होते हैं 9 और आपके 22 डे साउंड होते हैं 15. तो इस चीज का ध्यान रखें. ये अब ये 22 लेस साउंड क्या होते हैं और 22 डे साउंड क्या होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा. अभी आज इतना समझे कि आपके कॉन्सोनेंट साउंड में 22 लेस साउंड आपके 9 होते हैं और 22 डे साउंड आपके 15 होते हैं. ठीक है, अब आते हैं हमारे वोवेल साउंड्स पर जो होते हैं आपके 20. वोवेल साउंड्स में आपके पहले प्योर वोवेल्स जो होते हैं 12, मतलब मोनोफोन्स जो आपके होते हैं वो 12 होते हैं. पहले हम इनको पढ़ेंगे फिर मैं आपको डिप्थोंग्स बताऊंगा. तो देखें अभी आपके जो मोनोफोन्स होते हैं, ये सिंबल होता है ई का फिल, ये सिंबल होता है बड़ी फी, इसमें थोड़ा इसमें ज्यादा लेना है,
ये ई है इसमें फिल, और बड़ी है तो फील। ये सिंबल होता है ए का टेस्ट, ये सिंबल होता है आई, इसको आई जैसे होता है इसका बैच बैच। इसके बाद यह सिंबल होता है ऊ का बुक बुक, कम इंटरेस्ट है क्योंकि छोटा हुआ है इसलिए बुक। ये सिंबल होता है बड़ा होगा मून, ये हम क्यों पढ़ते हैं इसको कम स्टेज देंगे इसमें ऊ तो आ रहा है बुक, और ये वाला सिंबल इसमें आ रहा है मून मतलब बड़ा हुआ इसलिए मून। ये आपका सिंबल होता है आ का बड़ा, आ का जिससे कार बड़ा आ रहा है तो कार बड़ा लंबा की इसको थोड़ा, और इसमें ये सिंबल होता है ओ का पॉट। ये आपका औ काट औ पॉट, ये सिंबल होता है औ का पॉट। ये आ ये सूत्र इसमें अनंत लगा, हल अनंत का मतलब तो छोटा मतलब बहुत कम बोलना है इसको, अबो 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 मतलब बहुत कम अबो 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 अबो। अब इसका ये आता है थोड़ा हल्का लंबा होता है वर्ड वर्ड वर्ड, और ये आपका पूरा होता है बट बट बट। तो ये आपके होते हैं मोनोटम्स जो कब 12 होते हैं। बस इनमें आपको यही ध्यान रखना है कि किसमें स्टेज ज्यादा लेना और किसमें कम लेना था, तो आप इससे समझ सकते हैं। हाँ तो अब आते हैं हमारे दूसरे टाइप पे दूसरे कैटेगरी बोला की डिफ्थोंग्स। डिफ्थोंग्स जो आपके होते हैं जो होते हैं आपके एच, इनको यहाँ पर वोवेल्स ग्लाइड भी कहते हैं। ये आपके होते हैं ये तो इसका मतलब डिफ्थोंग्स का इसमें टू साउंड एक साथ है, टू वोवेल साउंड आपके एक साथ आ रहे हैं। ऐसे देखें ये साउंड था ए का ए, जैसे टेस्ट टेस्ट पहले था टेस्ट वाला, ये टेस्ट इसको इस तरीके से लिखा जाता है। अब आपका आता है ए, ये साउंड था आई का जैसे फाइन फाइन, ये साउंड ओ का बॉय, ये साउंड औ जैसे गो, ये आपका होता है ये साउंड औ जैसे काओ काओ, ये साउंड होता है ईयर डियर डियर, और ये साउंड आपका होता है पूरक पूरक, और ये सिंबल होता है आपका ईयर का जैसे फेयर केयर फेयर एफ आई एफ फेयर। तो स्टूडेंट्स ये आपके होते हैं पूरे साउंड्स जितने भी आपके थे कॉन्सोनेंट साउंड्स और वोवेल साउंड्स। तो इनमें आपका कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं वो आपके 24 होते हैं, और ये आपके वोवेल साउंड होते हैं आपके 20 होते हैं, टोटल साउंड आपके 44 होते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया था मोनोफोन्स क्या होते हैं जिनमें केवल एक ही वोवेल साउंड आए, और डिफ्थोंग्स क्या होते हैं आपके जिनमें आपके टू वोवेल साउंड्स आते हैं। तो मैंने इसके पहले आपको कॉन्सोनेंट से बोला था पहले कि आपका वॉइसलेस साउंड और वॉइस्ड साउंड क्या होते हैं। तो वॉइसलेस साउंड वो होते हैं जब हम बोलते हैं तो हमारे स्पीच ऑर्गन जो होते हैं, जो स्पीच ऑर्गन जो होते हैं जब हमारा उसमें वाइब्रेट होता है तो वो आपके वॉइस्ड साउंड कहलाते हैं, और जिनमें बोलने पर हमारे स्पीच ऑर्गन्स में से वाइब्रेट नहीं होता तो वो आपके कहलाते हैं वॉइसलेस साउंड कहलाते हैं। तो इनमें डिफरेंस समझ में आपको, जैसे आप बोलेंगे फ ग फ प प बोलेंगे तो बिल्कुल प वाइब्रेट नहीं होगा प बोल के देखें। तो इस तरह जो मैंने आपको पहले बता ही चुका हूं, तो इनको आप पूरे प्रैक्टिस करें जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें, बार बार बोलने की कोशिश करें, और मैं आपको आगे वाले वीडियो बताऊंगा। आगे की वीडियो में आपको आर्टिकुलेशन समझाऊंगा, आर्टिकुलेशन में किस तरीके से हम बोलते हैं साउंड किस तरीके से निकलते हैं ये सब मैं आपको बताऊंगा, किस तरह के होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं किसके अंदर क्या क्या आता है पूरा आपको सिस्टम समझाऊंगा। सो गाइस अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। जो भी आपको क्वेश्चन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है वो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा उसको हेल्प करने की। आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग।